मैं ये जो उम्र है आपकी, इस उम्र में आप में सबसे ज्यादा जज्बा होगा, सबसे ज्यादा ब्रेन सेल्स होंगे और सबसे ज्यादा बाल होंगे। कुछ सालों बाद जज्बा भी कम हो जाएगा, बाल भी कम हो जाएंगे, ब्रेन सेल्स भी कम हो जाएंगे। सो ये जो मौका आपको जिंदगी ने दिया है, ये जो थ्रेशोल्ड पर आप हैं, आप लोगों को सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जैसे आपकी सोच है, जो आपके दिल में आए, जिंदगी भर सिर्फ वही कीजिएगा। क्योंकि जब आप मेरी उम्र के होंगे या अपने माँ बाप की उम्र के होंगे, अपने टीचर्स की उम्र के होंगे, तो कहीं ना कहीं दिल में कोई ना कोई रिग्रेट रह जाती है कि मैंने वो क्यों नहीं किया। तो हर लड़के और हर लड़की को मैं सिर्फ यही कहूंगा, प्लीज जो दिल में आए इस उम्र में जरूर कीजिएगा। मेरे जो वालिद थे, मैंने जैसे बताया बहुत पढ़े लिखे थे, तो उन्होंने बहुत गरीब भी थे, उनको कभी कोई नौकरी नहीं मिली, हार्डली उनके पास पैसे होते थे। जो भी बिजनेस उन्होंने शुरू किया, इतनी तालीम हासिल करने के बाद भी वो फेलियर ही रहा। और क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते थे, तो मेरे हर जन्मदिन पे अपनी कोई पुरानी चीज मुझको दे दिया करते थे। तो पहली पुरानी चीज जो, और बहुत बड़ा चढ़ा के उर्दू में अच्छे अच्छे अल्फाज यूज करके मुझे इंप्रेस करते थे कि बहुत अच्छा प्रेजेंट दिया है मुझको। पहली चीज जो उन्होंने मुझे दी थी, उन्होंने मुझे अपना शतरंज का सेट दिया था, टूटा फूटा सा। वो शतरंज हर रोज खेलते थे। हनुमान मंदिर के जो हेड प्रीस्ट थे, पंडित थे, उनके साथ रात को जाके मेरे वालिद जो हैं शतरंज खेलते थे। और उन्होंने मुझे कहा कि शतरंज से आप जिंदगी के बारे में बहुत कुछ चीजें सीख सकते हैं। पहली ये कि कोऑपरेशन और साथ मिलजुल कर काम कैसे करना है। दूसरी ये कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कभी कभी पीछे भी हटना पड़ता है। तीसरी ये कि जो छोटे लोग होते हैं, जो आप समझते हैं, कई लोग ऐसी बात मानते हैं, जो पॉन्स होते हैं, जो प्यादे होते हैं, उनकी सबसे ज्यादा इज्जत करना जिंदगी के अंदर। कोई भी इंसान छोटा नहीं होता, हमेशा हमेशा जिंदगी में काम आता है। और कामयाबी हासिल करने के लिए आखिरी बात शतरंज ये सिखाती है हमको कि कभी कभी जिस चीज से सबसे ज्यादा लगाव होता है, जैसे रानी से अमूमन हो जाता है, कभी कभी उसे भी सैक्रिफाइस करना पड़ता है आगे बढ़ने के लिए। दूसरी चीज जो उन्होंने मुझे दी थी, वो एक टाइपराइटर दिया था। आज के जमाने में आई डोंट थिंक किसी को, बहुत सारे बच्चे होंगे यहाँ पे जिनको मालूम भी नहीं होगा टाइपराइटर कैसा लगता है। अब सब कंप्यूटर पे काम करते हैं। टाइपराइटर के ऊपर जब आदमी लिखता है, और अगर गलत लिखता है, तो उसको मिटाने में बहुत तकलीफ होती है। सो यू हैव टू बी वेरी डेलिजेंट, बहुत ध्यान से लिखना पड़ता है, हम गलती नहीं कर सकते। और टाइपेक्स यूज करते थे टाइप को निकालने के लिए, कभी उंगली फंस जाती थी उसकी कीज के बीच में, मगर बहुत मेहनत से, बहुत डेलिजेंस से काम करना पड़ता। तो जब मैं उस पर टाइपिंग सीखा स्कूल में कॉमर्स करते वक्त, सो द ओनली थिंग आई रियलाइज इज दैट प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। तो जो भी काम आप जिंदगी में करें, उसको डेलिजेंस से करें, ऐसा करें कि कोई गलती ना हो, अपना पूरा दिमाग लगाकर करें, सोच समझ कर करें, ऐसे करें कि यह काम जिंदगी में आपका पहला काम है और इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा, और शायद यह काम आपका जिंदगी का आखिरी काम है, इसके बाद फिर मौका नहीं मिलेगा। सो डू इट विद दैट काइंड ऑफ डिलिजेंस।